सेकेंड एंग्लो सिख वार, लॉर्ड डलहौजी हैड बीन इन दिल्ली फॉर बारले सिक्स मंथ व्हेन द सेकेंड एंग्लो सिख वार स्टार्टेड. रानी जिंदन हैड बीन रिमूव फ्रॉम द लाहौर टू शेखुपुरा ऑन ए चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश रेजिडेंट. द डिसबैंडेड सिख सोल्जर वर रेस्टिव इन 1848. दीवान मुलराज द गवर्नर ऑफ मुल्तान फेल टू कंप्ली विद फाइनेंशियल डिमांड ऑन लाहौर दरबार एंड रीसाइन. द रिवोल्ट एट मुल्तान एज्यूम्ड क्वाइट अ फॉर्मिडेबल प्रोपोर्शन. द खालसा आर्मी केम टूगेदर वंस मोर टू फाइट द इंग्लिश. द इंग्लिश एमर्ज विक्टोरियस आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द सिख आर्मी. अफगान कैवलरी अंडर द दोस्त मोहम्मद एंड एले ऑफ सिख हैड बीन चेज बैक टू देयर नेटिव हिल पंजाब एनिक्स बाई प्रोक्लेमनेशन बिकम द ब्रिटिश प्रोविंसी. यानी इसमें बताया गया है कि लॉर्ड डलहौजी जो है दिल्ली में सिर्फ छह महीने तक रहा जब दूसरी सिख वार हुई, और उसके बाद जो रानी जिंदान है वो वहां से लाहौर से शेखुपुरा चली गई, क्योंकि एक साजिश हुई थी उसके ब्रिटिश रेजिडेंस में, जहां पर वो ब्रिटिश रेजिडेंस रहते थे वहां पर उसके खिलाफ एक साजिश का चार्ज लगाया गया था. उसके बाद जो है ब्रिटिश अफसरों की साजिश की वजह से वो वहां से चली गई. सिख सिपाही जो थे डिसबैंडेड यानी कि अशांत थे, क्योंकि और उन्होंने इसे भंग कर दिया था. उसमें जो दीवान मुलराज था जो कि गवर्नर था मुल्तान का, वह जो था उनकी कंपनी की जो आर्थिक मांग को पूरा नहीं कर सका था, क्योंकि वो पैसे की मांग कर रहे थे. और उस समय में द खालसा आर्मी केम टूगेदर द रिवोल्ट ऑफ, इसमें जो है मुल्तान ने में एक जो है क्रांति हुई, और जिसमें खालसा आर्मी ने इकट्ठे होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े. इसमें जो है अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजी सेना की जीत हुई और सिख आर्मी हार गई. अफगान घुड़सवार जो है दोस्त मोहम्मद ने सिख आर्मी से संधि कर ली और वो नेटिव हिल की तरफ भाग गया, और इस तरह पंजाब की टेरिटरीज को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया. नाउ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. लॉर्ड वॉन हेस्टिंग्स ही केम टू ऑफिस एट ए टाइम व्हेन नो गवर्नमेंट बोर द नेम एग्जिस्टेड. टू हिम मस्ट बी गिवन क्रेडिट ऑफ प्लानिंग अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच रिड्यूस द चोटिक रूल ऑफ कंपनी टू एन ऑर्डर गवर्नमेंट. फ्रॉम 1772 टू 1785 ही वॉज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. हिज मोस्ट वेल नॉन मेजर वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्ट्रेंथ द पोजिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंसोलिडेट द एडमिनिस्ट्रेशन. ही मेड अवर बफर स्टेट बिटवीन द मराठा एंड कंपनी टेरिटरी इन बंगाल. ही फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द मराठा हैदर अली टीपू सुल्तान एंड साइन ट्रीटी विद हिम. ही इज रिमेम्बर एज प्रिजर्वर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. यानी ब्रिटिश एम्पायर का उसे संरक्षक माना जाता था. अब देखो, और उसने बंगाल पर जो बंगाल में जो है 1772 से 1785 में वो गवर्नर रहा, वो इसलिए जाना जाता है और क्योंकि उसने अपने ट्राई हिज बेस्ट, उसने बहुत अच्छा करने की कोशिश की और उसने कंपनी को शक्तिशाली बनाया अपने काल में. और उसके बाद जो है उसने कंपनी को एक बफर स्टेट का नाम दिया और वो बहुत ही शक्ति से यानी बहादुरी से मराठों के खिलाफ लड़ा. उसने टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ संधि की. ही इज रिमेम्बर एज ए प्रिजर्वर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और वो ब्रिटिश एम्पायर का प्रिजर्वर यानी संरक्षक माना जाता था. लॉर्ड कॉर्नवाल ही टुक मैनी स्टेप टू स्ट्रेंथ द कंपनी. उसने भी बहुत सारे कदम उठाए. हिज मोर एंड्यूरिंग वर्क वर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कन्वेंटल सिविल सर्विस. यानी उसने सिविल सर्विस शुरू की. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल. उसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया बंगाल बिहार उड़ीसा में. बट द
एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन फ्रॉम द हाई पोस्ट वॉज ए शॉर्ट साइन मेजर, मतलब कि वो क्या करना चाहता था, भारतीय लोगों को पर भारतीय लोगों को बड़ी पोस्ट के ऊपर नहीं रखना चाहता था। ही वॉज ए गुड मिलिट्री कमांडर, वह एक अच्छा मिलिट्री कमांडर था। नाउ लॉर्ड वेल्सली, ही वॉज एन एम्बिशियस श्यूड डिप्लोमेट एंड ए हार्ड कोर इम्पीरियलिस्ट विद हिज सब्सिडियरी अलायंस ही एस्टेब्लिश कंपनी सुप्रीमेसी ओवर मैनी किंग ऑफ इंडिया। सम ऑफ दीज वर निजाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ अवध, द पेशवा राजपूत रूलर एंड द रूलर ऑफ त्वारंगकोर। एट द सेम टाइम ही वॉन मैनी एरिया आफ्टर द फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर एंड फाइट विद मराठा। वह एक महत्वाकांक्षी था, चलाक था और अच्छा राजनीतिज्ञ था। उसने सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस होता है सहायक संधि की, और कंपनी की सर्वोच्चता को स्थापित किया। और उसने क्या किया, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर के शासक और रूलर ऑफ राजपूत और बहुत सारे राजों के साथ संधि की। और इसी समय में उसने बहुत सारे एरिया जीते, किसमें, फोर बैटल ऑफ चौथे मैसूर के युद्ध में और फाइट विद मराठा और मराठों के साथ युद्ध किया। हियर योर चैप्टर इज ओवर।